ओके सो ये तो आ गई मेरी 30 यूसी वापस, लेकिन 30 ही क्यों आई, 60 क्यों नहीं आई, उसके बारे में भी बताता हूँ आपको अभी। एंड गाइस ये रहा मेरा रॉयल पास अपग्रेड कार्ड सीजन 19 का, जो मुझे आज ही मिल चुका है 11 मई को, बल्कि रॉयल पास तो 17 को आने वाला है, तो अब मैं इस कार्ड से उसे भी अपग्रेड कर पाऊंगा। तो क्या हाल है मेरे भाई, पबजी मोबाइल की अपडेट 1.4 ने तो यार कमाल ही कर दिया है। साइबर असैसिन सेट, समुराई ऑप्स बैकपैक, साइबर असैसिन हेडगियर, एक क्यूबीयू की स्किन और उसी के साथ साथ एक पैराशूट की स्किन। गाइस ये सारे रिवॉर्ड्स परमानेंट है जो हमें इन इवेंट्स के थ्रू मिलने वाले हैं, तो आओ देख लेते हैं आखिर क्या है ये इवेंट्स। लेकिन उससे पहले मेरे भाई आपको एक और कमाल की चीज दिखाता हूँ। अभी लास्ट वीडियो मैंने आपको एक इवेंट के बारे में बताया था, जिस इवेंट में हमें रॉयल पास कार्ड मिलने वाला है, यानी कि रॉयल पास के लिए यूसी मिलने वाली है और उसी के साथ साथ कुछ फ्री यूसी भी मिलने वाली है, और वो मेरे अकाउंट में आ चुकी है ऑलरेडी। तो ये जो आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हो गाइस, ये लास्ट वीडियो वाला वही इवेंट है जिसके चलते अभी मुझे मिल चुके हैं रॉयल पास सीजन 19 ग्रुप परचेज पर्क्स। सबसे पहली ईमेल देखते हैं इसमें क्या है। ओके सो ये तो आ गई मेरी 30 यूसी वापस, लेकिन 30 ही क्यों आई, 60 क्यों नहीं आई, उसके बारे में भी बताता हूँ आपको अभी। एंड गाइस ये रहा मेरा रॉयल पास अपग्रेड कार्ड सीजन 19 का, जो मुझे आज ही मिल चुका है 11 मई को, बल्कि रॉयल पास तो 17 को आने वाला है, तो अब मैं इस कार्ड से उसे भी अपग्रेड कर पाऊंगा। तो गाइस एक्चुअली हुआ ये कि लास्ट वीडियो मैंने जैसे ही अपलोड किया, मुझे मौका ही नहीं मिला अपने किसी जानकार बंदे को उस कोड को सेंड करने का। आप बड़े नॉटी हो, आपने वो वीडियो देख ली और आपने ही उस कोड से ज्वाइन कर लिया, और जिन दो लोगों ने ज्वाइन किया उस कोड को देखने के बाद लास्ट वीडियो में, उनमें से कोई भी न्यू रॉयल पास मेंबर नहीं था। आप लोगों ने उस वीडियो में से जैसे ही ज्वाइन कर लिया मेरे भाई, ये 30 यूसी ही आ पाई। तो चलो कोई बात नहीं, 60 यूसी ना सही, 30 ही सही, लेकिन आप वो 60 यूसी ले सकते हो अगर आपके 3 ग्रुप मेंबर से कोई भी एक मेंबर ऐसा है जिसने अभी तक रॉयल पास नहीं लिया है सीजन 16, 17 और 18 में, तब आपको 60 यूसी मिलेगी यहाँ पर। लेकिन अगर आपको 3 मेंबर 16 तारीख तक नहीं मिलते हैं मेरे भाई, तब भी घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका तो 16 तारीख को बिल ही जाएगा, यानी कि आपकी यूसी और आपका कार्ड आपको तब भी वापस मिल जाएगा। अगर 3 मेंबर्स कंप्लीट हो जाते हैं, जैसे कि मेरे आज ही हो गए या जिन जिन के आज ही हो गए, उनको ये पर्क्स आज ही मिल जाएंगे, और जिनके कंप्लीट नहीं हो पाते उनको तो 16 तारीख को मिल ही जाएंगे। तो अगर आप अकेले भी हो तब भी कोई बात नहीं है, 16 को आ जाएगा आपके पास सब कुछ, यूसी भी आ जाएगी और रॉयल पास अपग्रेड कार्ड भी आ जाएगा, सो डोंट वरी एट ऑल। तो अब देख लेते हैं मेरे भाई ये न्यू इवेंट, इसके अंदर हमें एक्सक्लूसिव वाउचर्स मिलने वाले हैं, और इन वाउचर्स के काफी सारे इवेंट्स ऑलरेडी आ चुके हैं और काफी सारे आने भी वाले हैं। तो इन वाउचर से हम एक्चुअली कुछ फ्री आउटफिट्स परचेज कर सकते हैं, जो कि एक्चुअली फ्री तो नहीं है, बट यहाँ पर इस इवेंट के अंदर फ्री दे दिए हैं। आओ देखते हैं कौन कौन से हैं। सो ये तो है साइबर असैसिन सेट, और ये है मेरे भाई समुराई ऑफ बैकपैक, देन साइबर असैसिन हेडगियर, एंड उसके बाद है क्यूबीयू गन की ये परमानेंट स्किन। गाइस ये सारे रिवॉर्ड्स परमानेंट होने वाले हैं, और इसके अंदर हमें दिखाया हुआ है कि एक्सक्लूसिव वाउचर्स हमें कितने कलेक्ट करने हैं और कितने वाउचर से क्या रिडीम होने वाला है। तो मतलब अगर हमें साइबर असैसिन सेट लेना चाहते हैं तो इसके लिए हमें 50 एक्सक्लूसिव वाउचर चाहिए, बैकपैक के लिए 35 चाहिए, हेडगियर के लिए 25 चाहिए, और क्यूबीयू की परमानेंट स्किन के लिए हमें 30 वाउचर्स चाहिए। एंड गाइस ये देखो एक और इवेंट आज आ चुका है जिसका नाम है सीजन रश, और इसके अंदर ये 3 वाउचर्स मुझे ऑलरेडी मिल चुके हैं। इसके लिए आपको प्लैटिनम टियर पर एक मिल जाएगा, गोल्ड टियर कंप्लीट होने पर एक मिल जाएगा, और क्राउन टियर अचीव करने पर भी एक मिल जाएगा। तो 3 तो यहीं पर मिल गए एक्सक्लूसिव वाउचर्स। एंड इसके अलावा जो एक और इवेंट आया मेरे भाई ने एक्सक्लूसिव वाउचर्स को कंप्लीट करने का, वो ये रहा, यहाँ पर हमें 7 डेज लॉगिन करने पर एक वाउचर मिलने वाला है, 300 मिनट गेम में कंप्लीट करने पर एक और वाउचर मिल जाएगा। एंड इसके अलावा हमें कुछ और वाउचर्स भी मिलने जा रहे हैं जो कि यूसी परचेज करने पर आएंगे, लेकिन उन्हें भी आप काइंड ऑफ फ्री ही ले सकते हो। आओ देख लेते हैं कैसे। तो 100 यूसी अगर परचेज करते हैं तो एक वाउचर मिलने वाला है, 200 यूसी यानी कि 200 पर एक और मिल जाएगा, 500 पर दो वाउचर और मिलने वाले हैं, 1000 यूसी पर 3 वाउचर, 2000 यूसी पर 5, ऐसे ही 3500, 6000 और 10000, यानी कि यहां पर इस इवेंट में टोटल हमें 51 वाउचर्स मिल जाएंगे गाइस। तो मेरे भाई ये जो इवेंट है इसकी लास्ट डेट रहने वाली है 18th मई, और हमारा रॉयल पास 17th मई को आ रहा है। तो पबजी मोबाइल वाले इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहे हैं हमसे कि जो रॉयल पास आ रहा है मेरे भाई, उसके अंदर आप 10,000 यूसी परचेज कर लो, तब वो हमें ये सारे वाउचर्स फ्री में दे देंगे। और एक्चुअली वो जो 10,000 यूसी है ना मेरे भाई, वो भी वेस्ट नहीं होने वाली है। आप में से कुछ लोग तो जानते होंगे, लेकिन जो नहीं जानते हैं उनके लिए बता देता हूं कि कैसे वेस्ट नहीं होने वाली है। तो ये आरपी एक्टिविटी पैक, आप में से जितने लोग इसके बारे में नहीं जानते मेरे भाई, मैं बता देता हूं, ये लास्ट सीजन आया था और इस सीजन भी आने जा रहा है। सो नॉर्मली क्या होता है कि रॉयल पास के अंदर हमें एक्टिविटी पॉइंट्स मिलते रहते हैं, जैसे ही हम अपने रॉयल पास के मिशंस, जो हमें वीकली मिशंस मिलते हैं, डेली मिशंस मिलते हैं, उन्हें कंप्लीट करते जाते हैं,
वैसे ही हमें कुछ मिशन एक्टिविटी पॉइंट्स मिलते जाते हैं और ये उन्हीं पॉइंट्स की बात हो रही है यहाँ पर। तो जैसे जैसे हमें वो मिलते रहेंगे वैसे वैसे हमें यहाँ से यूसी भी वापस अकाउंट में मिलती रहेगी। तो सीजन के एंड होते होते ये पूरी 10,000 यूसी हमारे अकाउंट में वापस आ जाएगी ऊपर, और बिल्कुल ऐसे हमारा रॉयल पास भी मैक्स तक अपग्रेड हो जाएगा मेरे भाई। और उसी के साथ साथ हमें वो एक्सक्लूसिव वाउचर्स भी मिल जाएंगे, क्योंकि 10,000 यूसी हम 17 को जब परचेज कर लेंगे रॉयल पास अपग्रेड करने के लिए, तो ये देखो मेरे भाई ये वाले एक्सक्लूसिव वाउचर्स भी हमें उससे मिल जाएंगे, क्योंकि ये हमें 10,000 यूसी तक परचेज करने पर ही मिल रहे हैं सारे फ्री में। तो ऐसे हमारी यूसी भी बच जाएगी, रॉयल पास भी मैक्स अपग्रेड हो जाएगा, और 10,000 यूसी अकाउंट में आने के साथ साथ मेरे भाई ये सारे रिवॉर्ड भी फ्री में मिल जाएंगे। एंड फिर वो 10,000 यूसी आप अगली बार यूज कर सकते हो नेक्स्ट सीजन में आरपी पॉइंट्स परचेज करने के लिए। तो चाहो तो आप इसको चाहे आज परचेज ना करो, ये 10,000 यूसी जब रॉयल पास आ जाएगा तब आप डाल सकते हो। अगर आप ये रिवॉर्ड्स फ्री में लेना चाहते हो गाइस, तो एक्चुअली 10,000 यूसी परचेज करने के बाद मिल रहे हैं, लेकिन टेक्निकली देखा जाए तो वो 10,000 यूसी वापस से अकाउंट में आ जाएगी, तो ऐसे हमें ये रिवॉर्ड्स मिल ही जाएंगे गाइस। बाय द वे इसके अलावा एक और इवेंट है जिसके अंदर हमें ये छोटा सा पैराशूट की स्किन भी परमानेंट मिलने जा रही है गाइस। ये भी एक इवेंट है, ईद उल फितर फेस्टिवल रिडीम। इसके अंदर भी हम मिशन पॉइंट्स कंप्लीट कर सकते हैं, ऐसे ही ये सारे इवेंट्स दिए हुए हैं यहाँ से कंप्लीट करने के बाद इन दी एंड हम ये भी परचेज कर पाएंगे इन 250 को कलेक्ट करने के बाद। ये हॉलीडे ड्रम्स है एक्चुअली, तो ये 250 हॉलीडे ड्रम्स कंप्लीट कर लेने के बाद हम ये पैराशूट भी फ्री में ले सकते हैं, क्योंकि इसके अलावा और कोई इवेंट मेरे भाई परमानेंट वाला नहीं है, सिर्फ एक ही परमानेंट स्किन मिलने वाली है जो कि पैराशूट स्किन है। सो गाइस आप में से जिन जिन लोगों के भी इवेंट्स ओपन नहीं हो रहे हैं मेरे भाई, एक्चुअली इशू ये है कि शायद आप वीपीएन से ओपन नहीं कर पा रहे हो इसीलिए नहीं खुल रहे हो। तो आपको करना सिर्फ ये है कि कोई भी वीपीएन लगा लेना है और उस VPN के थ्रू ये सारे इवेंट्स होते हैं गाइस, उस VPN के थ्रू ही ऑन होंगे। सो जो एंड्रॉइड यूजर्स हैं जो विदाउट VPN खेल रहे हैं, उनका गेम तो लॉगिन हो जाएगा, गेम चल भी जाएगा, बट VPN के बिना इवेंट्स तो ओपन नहीं होते ना, तो उसके लिए VPN तो आपको लगाना ही पड़ेगा मेरे भाई, अगर इवेंट्स कंप्लीट करने और ये सारे रिवॉर्ड्स फ्री में लेने हैं। सो गाइस मैं तो अब बस वेट कर रहा हूँ 17 तारीख के आने का, उस दिन मैं 10,000 यूसी परचेज करने वाला हूँ, ताकि उससे मैं अपना रॉयल पास भी मैक कर पाऊँ और उसी के साथ साथ ये वाउचर्स कलेक्ट करने के बाद इन रिवॉर्ड्स को भी फ्री में रिडीम कर पाऊँ यहाँ से। तो जैसे जैसे इवेंट्स आते जाएंगे आप उन्हें वैसे वैसे कंप्लीट करते जाओ और बैक टू बैक ये सारी नई स्किन्स फ्री में रिडीम करते जाओ मेरे भाई। तो ठीक है फिर मैं चलता हूँ, लेकर आता हूँ आपके लिए ऐसा ही एक और अमेजिंग वीडियो। गुड बाय गेमर्स, आई लव यू ऑल।